गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देसी मार्टिनी एंड इट्स टाइम फॉर टुडेज डोज ऑफ डेली पंच। सुशांत सिंह राजपूत के केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही सीबीआई की टीम आज उनके बांद्रा वाले घर पहुंची। उनके साथ एम्स के डॉक्टर्स की एक टीम भी थी जो सुशांत के पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी रिपोर्ट्स को स्टडी कर रही है। सीबीआई और एम्स की टीमों ने मिलकर सुशांत के घर पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। उनके साथ सुशांत की बहन मीतू, उनके फ्लैटमेट रह चुके सिद्धार्थ पिठानी और उनके डोमेस्टिक स्टाफ के कुछ लोग भी मौजूद थे। दूसरी तरफ इसी केस में ड्रग्स एंगल की इन्वेस्टिगेशन कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक और सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा को कोर्ट में पेश किया और उनके लिए 7 दिन की कस्टडी की डिमांड की। आपको बता दें कि एनसीबी शौविक और सैमुअल का ड्रग पेडलर के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर चुका है और इन दोनों को फ्राइडे शाम को गिरफ्तार किया गया है। बॉलीवुड एक्टर हिमांश कोहली भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें इस बात की पुष्टि खुद हिमांश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए की है। हिमांश ने अपने पोस्ट में बताया है कि घर वालों की देखरेख करते हुए वो भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कोरोना से बचने की भी उपाय बताए। बता दें पिछले दिनों हिमांश का पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ गया था और अब हिमांश भी अपने आप को इस बीमारी की चपेट में आने से बचा नहीं पाए। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में रोज नए गलत हो रहे हैं। शौविक चक्रवर्ती अरेस्ट। फ्राइडे नाइट को शौविक और सुशांत सिंह राजपूत के फॉर्मर हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को अरेस्ट कर लिया गया। द अरेस्ट वाज मेड ऑन शौविक एंड सैमुअल्स सजेस्टिव ड्रग लिंक्स। हालांकि एनसीबी नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल को दोनों के घर पे किसी भी तरह के ड्रग्स नहीं मिले हैं। टीवी पे सुपरनैचुरल शोज का बहुत ही ज्यादा क्रेज है और हो भी क्यों ना, टीवी ऑडियंसेस लव टू सी इट। इसीलिए नागिन हैज रन सक्सेसफुली फॉर 4 seasons और 5th season के 9 पे इट हैज सोल्ड हाई अप ऑन द टीआरपी चार्ट्स। इसके बाद नाउ एकता कपूर हैज डिसाइडेड टू टर्न अनदर ऑफ अ सुपरनैचुरल शो इनटू अ फ्रेंचाइज। वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रह्म राक्षस। जी हाँ, she is all set to bring the sequel of the show, but this time Crystal D'Souza won't be a part of it. But disheartened होने की कोई बात नहीं है, because this time Pearl V. Puri and Nikki Sharma would play the lead of the show. जी हाँ, Pearl has confirmed the news and said that he is super excited to collaborate with Nikki for the first time, and the reason why he said yes to the show was Ekta Kapoor. He would play the character of Abhay, जो play करेंगे Nikki के character Kalindi का boyfriend. She is the one who would be facing the Brahma Rakshas. Well, we are excited for the show and we hope you are too. Hum expect karte hain ki ye jald se jald shoot hoke air bhi ho jaye. Ye thi aaj ki sabse badi khabrein. Entertainment se related aur bhi khabron ke liye Desi Martini ko follow karna na bhule aur is channel ko zarur subscribe kare.